वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पेंटिंग विद करण। आई एम करण विशिष्ट और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्रिएटिव पेंटिंग को कैसे करते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं और आप डील कर रहे हैं कि क्रिएटिव पेंटिंग को किस तरीके से स्टार्ट करें, सो बने रहिए इसी वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिव पेंटिंग के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप क्रिएटिव पेंटिंग को ईजीली कर सकते हैं। जब मैं BFA फोर्थ ईयर में था तो मैं भी इन सब चीज़ों से डील करके और गुजरा उस फेज से जब मुझे समझ नहीं आता था कि क्रिएटिव पेंटिंग होती क्या है। और बहुत सारे ऐसे जो डाउट्स है जो बिगनर्स के मन में आते हैं कि रियलिस्टिक होती है कि एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो आज इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। सो देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो। स्टार्ट करते हैं नंबर वन डाउट के साथ जो सब लोग सोचते हैं कि क्रिएटिव पेंटिंग रियलिस्टिक नहीं हो सकती। क्रिएटिव पेंटिंग रियलिस्टिक हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जो क्रिएटिव पेंटिंग है उसमें आपका थॉट वर्क क्या है। ये नहीं कि आपने एक पोर्ट्रेट बना दिया और वो आप रियलिस्टिक बना दिया और वो कहो क्रिएटिव है। अगर उस पोर्ट्रेट जो है वो आपका, उसको आप अपने हिसाब से बनाते हो, यानी कि अपने स्ट्रोक्स लगाते हो, अपने कलर स्कीम लगाते हो, तो उसको हम क्रिएटिव पेंटिंग बोल सकते हैं। बट जो क्रिएटिव पेंटिंग होती है उसका जो मेन प्रोसीजर होता है वो कि जो भी एक टॉपिक है उस पर आपके आपका माइंड क्या कहता है उस पर, समझ रहे हो? कि जैसे मैंने एक टॉपिक ले लिया मदर एंड चाइल्ड, तो उस पर जो आपका दिमाग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है उसको कहते हैं हम क्रिएटिव पेंटिंग। एक पेंटिंग है जो मेरी मैंने सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी शायद, फिर उसको मैंने रीड्रॉ किया था, तो ये मेरी क्रिएटिव पेंटिंग है जिसे आप देख सकते हैं। थॉट नंबर टू, क्रिएटिव पेंटिंग और क्रिएटिव ड्राइंग में क्या अंतर है? क्रिएटिव पेंटिंग जो होती है उसको सबसे पहले बात, जो क्रिएटिव पेंटिंग होती है उसमें ड्राइंग दोनों में सेम रहती है, बस अगर आपको उसको पेंटिंग बनाना है तो आप कलर्स करेंगे उसमें, यानी कि एक्रेलिक कलर कर सकते हैं, ऑयल कलर, कलर पेंसिल कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी जिसमें दो या तीन कलर से ज़्यादा यूज़ हो उसको हम पेंटिंग में ले जाते हैं। और इसी में अगर हम ड्राइंग की बात करें, क्रिएटिव ड्राइंग, तो उसके अंदर हम पेंसिल, चारकोल, इंक, इन सब का यूज़ करते हैं। और उसमें भी अगर आपको कलर करना हो तो एक या दो कलर आप यूज़ कर सकते हैं, पर वो इंक के होने चाहिए, राइट? थॉट नंबर थ्री, क्रिएटिव पेंटिंग में अगर आप मैंने बहुत लोगों से सुना है कि पेड़ को लाल बना दो और स्काई को हरा बना दो तो शायद वो क्रिएटिव पेंटिंग बन जाए, बट ये सब ऑल रबिश है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कलर्स को यूज़ कर रहे हो कि स्काई को मुझे पिंक दिखाना है, कि पेड़ को मुझे रेड दिखाना है, तो इट मेक्स सेंस कि उससे आप कलर से आप क्या डिपेक्ट कर रहे हो। अगर मैं वाइट बनाता हूँ तो मुझे पीस दिखाना है। तो जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हो, पहली बात क्रिएटिव पेंटिंग में वो हर कलर हर एक चीज़ को डिपेक्ट करता है, राइट? तो अगर आप ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो, अगर आप वाइट कलर यूज़ कर रहे हो, रेड कलर कर रहे हो, पर्पल कर रहे हो, तो इन सब कलरों के कुछ ना कुछ मतलब होते हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और मतलब से आप अपनी क्रिएटिव पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो ये दिखाने के लिए। जस्ट नॉट अ ड्राइंग, इट ऑल्सो अबाउट अ कलर। कि जैसे हम लैंडस्केप में कलर पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं, वैसे ही हम क्रिएटिव पेंटिंग में कलर थ्योरी यूज़ करते हैं उस हमारा जो टॉपिक है उसको हाईलाइट करने के लिए। और ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप थोड़े टॉपिक्स लिखें, कुछ भी डे टू डे लाइफ के आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चीज़ों को नोटिस करिए, उनके टॉपिक लिखिए और उन टॉपिक पे थोड़ी सी रिसर्च करिए, कम से कम हाफ एन आवर वन आवर उस पर रिसर्च करिए, कुछ उनके पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद उसको उन पॉइंट्स को आप सिंबल्स के थ्रू या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड जिसे बोलते हैं उसके थ्रू आप बस क्रिएट करने की कोशिश करिए। यानी कि सिंपल लाइन ड्राइंग या सिंपल जेस्चर्स में आप उनको ड्राइंग करिए। अगर बाई चांस आपको एनाटॉमी या फिर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि इसका पर्सपेक्टिव कैसा होगा, तब आप उस जो आपने बनाया है उसके हिसाब से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि
जैसे आपने एक बेल दिखाई है और आपको बेल को अलग पोजिशन में लेना है, तो आप उसको सर्च कर सकते हो गूगल में, वैसी सेम इमेज आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। अगर आप इस तरीके से बना नहीं सकते तो आप गूगल पे सर्च करके उस पर अपनी रिलेटेड इमेज देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी कॉम्पोजिशन बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक यूनिक स्टाइल आपका दिखेगा। अगर आप रियलिस्टिक नहीं बनाना चाहते, अगर आपको प्रॉब्लम होती है रियलिस्टिक बनाने में, तो भी कोई बात नहीं है, आप एक अपना स्टाइल डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो जैसे लोग बनाते हैं वैसे ही स्टाइल करना है। सबसे जो बड़ी बात है कि क्रिएटिव पेंटिंग लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी तक सब अच्छा अच्छा देखते आए हैं, राइट। उनको सब चीज़ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर दिखती है, बट जब हम चीज़ों को तोड़ते हैं, जब हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं बाउंड्री सब, तो वो चीज़ें बदलती है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि क्रिएटिव पेंटिंग ज़रूरी नहीं है कि वो सुंदर हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत उसमें दिमाग लगाया हो, राइट। वो दोनों का मिश्रण हो सकती है। अगर आप क्रिएटिव पेंटिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें कुछ चीज़ कॉमन रखनी पड़ेगी, जैसे या तो जो आप ह्यूमन फिगर यूज़ करते हैं उसका जो पोस्चर है, फिर उसका फेस है, फिर उसका शेप्स है, या फिर आपकी कोई पेंटिंग कोई एक चीज़ है जो आप सब पेंटिंग्स में करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेंटिंग आपने बना दी क्यूबिज्म पे, एक पेंटिंग आपने बना दी हाइपर रियलिस्टिक, एक पेंटिंग बना दी आपने एब्स्ट्रैक्ट, एक पेंटिंग आपने बना दी दो तीन कलर से बस। तो जो भी आप पेंटिंग बनाएं उस पे उसको इस तरीके से मोल्ड करिए हर पेंटिंग को कि वो आपके स्टाइल की पेंटिंग लगे, कोई भी टॉपिक हो। ऐसा नहीं है टॉपिक के हिसाब से पेंटिंग और स्टाइल कभी भी नहीं बदलता है, स्टाइल हमेशा आपका सेम रहना चाहिए। और जो चीज़ें जो भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं उस पेंटिंग, या तो रोलर यूज़ करते हैं, या तो स्प्लैश करते हैं, या फिर कलर का टेक्चर देते हैं, कुछ भी, वो हर पेंटिंग में आपका दिखना चाहिए, ताकि आपकी आपकी पेंटिंग के साथ आपका नाम जुड़े, राइट। स्टार्ट करें छोटी 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 टॉपिक्स को लेके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक वास्ट टॉपिक उठाना है जिसपे आप काम ना कर पाए, वो आगे हम करेंगे, बट स्टार्ट करें छोटी छोटी चीज़ों को बना के। बहुत छोटी छोटी आप चीज़ें ले सकते हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।